नमस्कार, रूबरू कार्यक्रम में मैं ओमकसारा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं बिलवाड़ा डेयरी के चेयरमैन और पूर्व खनिज राज्य मंत्री रामलाल जी जाट। रामलाल जी जाट की छवि एक ऐसे दबंग राजनेता की है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने राजनीतिक कौशल के दम पर खुद के पक्ष में कर लेते हैं। किस्मत के धनी रामलाल जाट का जन्म 2 मई 1965 को भिलवाड़ा जिले की आसीन तहसील में स्थित प्रतापपुरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जमनालाल जी और माता का नाम धापू देवी है। रामलाल जाट जब विजयनगर स्थित प्राज्ञ महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय इनका चयन इंडियन आर्मी में हो गया, लेकिन कुछ समय बाद ही इन्होंने फौज की नौकरी छोड़कर पुलिस विभाग ज्वाइन कर लिया। एक दिन जब रामलाल फूलिया कला थाने में संतरी के रूप में पहरा दे रहे थे, उसी समय एक युवक की गिरफ्तारी से आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने पर धावा बोल दिया और थानाधिकारी व पुलिस कर्मियों की धुनाई करने लगे। तब रामलाल ने हवाई फायर करके गांव वालों को थाने से खदेड़ दिया, किंतु पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इस पर विभागीय कार्यवाही करते हुए पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी जब रामलाल की ममतामयी माँ को हुई तो उन्होंने भविष्य में भी किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए अपने बेटे को पुलिस की नौकरी तत्काल प्रभाव से छोड़ देने का आदेश दिया। माँ के आदेश का पालन करना रामलाल के जीवन का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद रामलाल जीविकोपार्जन के लिए ट्रैक्टर कंप्रेसर चलाने लगे कि पिता का निधन हो जाने से उनके डेयरी संबंधित कोऑपरेटिव शेयर रामलाल के नाम पर आ गए। यहीं से जाट के भाग्य ने पलटा खाया और दिसंबर 1996 में वो हुड़ा बनेड़ा क्षेत्र से डायरेक्टर और 4 फरवरी 1997 को भिलवाड़ा डेयरी के चेयरमैन बन गए। इसी दरमियान रामलाल के राजनीतिक गुरु और दिग्गज नेता रामप्रसाद लड्डा ने उन्हें तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत और विपक्ष के नेता परशुराम मदेरणा से मिलवाकर एमएलए टिकट की दौड़ में अग्रसर कर दिया। निर्णायक दौर आने पर रामलाल के अजीज दोस्त नारायण उपाध्याय ने मित्र धर्म का निर्वहन करते हुए अपने पिता और भिलवाड़ा के तत्कालीन सांसद रामपाल उपाध्याय की मार्फत जाट का नाम प्रदेश पैनल में भिजवा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में रामलाल जाट विधायक चुन लिए गए। इसके बाद से रामलाल जाट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 3 बार डेयरी चेयरमैन व 1 बार मंत्री रहकर भिलवाड़ा के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में भी बहुत गहरे तक पेट बना ली। जनता के काम करने की धुन में रमे रामलाल जाट आम जन की किसी भी बात को संगठन में प्रभावी ढंग से रखने के लिए आज अपने नेता को भी खरी बात कहने से नहीं चूकते। तो आइए मुलाकात करते हैं रामलाल जी जाट से। रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो दुग्ध डेयरी के पशुपालक हैं, उनके लिए क्या आप नई कार्य योजना लेकर के आए हैं? भिलवाड़ा जिले के दुग्ध उत्पादक जो किसान हैं, उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा किसान को रेट उपलब्ध हो और कंज्यूमर है उनको सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी का दूध मिले, यही हमारी भिलवाड़ा दुग्ध संघ की प्राथमिकता है। आज उन लोगों को नई तकनीकी, जैसे पेमेंट उनका ई पेमेंट सीधा खाते में पैसा ट्रांसफर हो, ये पद्धति भिलवाड़ा संघ लेके आ रही है। प्रोक्योरमेंट जो होता है, दूध इकट्ठा होता है, सोसाइटी को क्लाउड बेस पे हम ले जा रहे हैं ताकि क्लाउड के माध्यम से जैसे ही गांव में हमारे बीएमसी बल्क मिल्क कूलर दूध ठंडा करने की चिलिंग मशीन लगी हुई है क्वालिटी सुधारने के लिए, उसमें दूध आते ही क्लाउड के माध्यम से फैट एसएनएफ जो नंबर दूध की मानक होता है, भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अनुसार जो मानक है, उस मानक पे खरा दूध रहे, उन चीजों को इस तकनीकी से हम अच्छी क्वालिटी का रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही जो सौर ऊर्जा के माध्यम से हम भिलवाड़ा पूरे संघ को जो 600 किलोवाट बिजली पैदा करके किसान को हम ज्यादा रेट दे पाएंगे, बिजली की बचत कर पाएंगे, बिजली के यूनिट में खर्चा ज्यादा लगता है, तो उस वो योजना भी लेकर आ रहे हैं। तीसरी बात रही तो किसान को हम आदर्श डेयरी फार्म योजना जो हम बैंकों के माध्यम से करने जा रहे हैं, लगभग हमारी बैंकों से टाइप हो चुका है, तो हम 200 करोड़ का एमओयू कर रहे हैं, उससे बेरोजगार लड़कों को लगभग मैं 300 फॉर्म की स्वीकृति अभी निकाल चुका हूं, जिसमें 16 फॉर्म रनिंग में आ चुके हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है, यानी 40,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक बच्चे इसे कमा रहे हैं। तो इस जिले में मेरी इच्छा है कि गाय को भी प्रमोट करूं, देसी ब्रीडिंग को प्रमोट करूं, किसान को ज्यादा पैसा मिले, बेरोजगार जो लड़के हैं उनको रोजगार मिले इस डेयरी के माध्यम से, ये काम हम इस डेयरी के माध्यम से कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में कहां तक सफल रही है? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सफल हुई, उपचुनाव हम जीते हैं, पंचायत राज चुनाव में हम अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमारा वोटों परसेंटेज बढ़ा है। अभी आप देख लो ये उपचुनाव सरपंच वाले हो रहे हैं और इसमें भी हमें अच्छी सफलता मिल पा रही है। जिस तरह लोगों में, व्यापारियों में हर जगह आक्रोश है, उन चीजों को हम ले जा रहे हैं, गाँव में बता रहे हैं। अभी डीजल पेट्रोल के लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हालांकि इन्होंने धरने प्रदर्शन करने के लिए नई तकनीकी रोज के भाव रोज कर दो। आप देखो बैरल के अभी 53 रुपए बैरल के भाव है, पहले 100 रुपए से ऊपर गए, 117 रुपए बैरल के भाव थे, तब डीजल पेट्रोल 71 रुपए से ऊंचा नहीं गया था। आज के हालात आप किस तरह देख रहे हो, खाली खजाना भरने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। कांग्रेस बिल्कुल विपक्षी भूमिका निभा रही है, सफलतम इसका उदाहरण उपचुनाव में जीत है, उससे बड़ा कोई आपको पैमाना नहीं होगा। आने वाले टाइम में बाकी के उपचुनाव उसमें भी कांग्रेस जीत दिखाएगी। पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी तो उसकी ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो इस सरकार ने नहीं लागू की है? ऐसी कोई योजना ही नहीं छोड़ी पिछली गवर्नमेंट ने जो हर तबके के, हर वर्ग के, हर वर्ग हर तबके के लिए, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, यहां तक कि गाय भैंस जो वोट नहीं देती उनके भी निःशुल्क दवाइयां देना हो, बुजुर्ग लोगों को यात्राएं कराना चार धाम की हो, किसी को द्वारका जी जाना, सबसे बड़ी द्वारका जी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, यानी हर वर्ग, बेरोजगार लड़कों के लिए रोजगार देने की हो, जिनके पास आश्रित नहीं है उनको मकान बनाने का काम हो, इस सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया। ई गवर्नेंस के लिए, ई तकनीकी लाने के लिए राजीव गांधी केंद्र हर पंचायत हेडक्वार्टर में खोला, इन्होंने नाम बदला, अटल सेवा कर दिया। इसलिए उस समय जो योजनाएं हर वर्ग के लिए थी उसको इन्होंने बंद करने का काम किया, काफी योजनाओं को, कुछ योजनाओं का नाम बदलने का काम किया, इन्होंने कोई नई योजना नहीं लागू की। किसानों की जो माली हालत खराब होने से देश भर में उनके द्वारा आत्महत्याएं करने के मामले बढ़े हैं, आप किसान नेता भी हैं, तो क्या किसानों की कर्ज माफी ही उनकी समस्या का इलाज है या सरकार को कुछ और करना चाहिए? किसान की कर्ज माफी कोई आत्महत्या को रोकने का वाला काम नहीं है, ये कर्ज माफी से तो किसान को और, अपनी भाषा में, लैंग्वेज में अपन कह सकते हैं, उसको और निठल्ला बनाना है। बिना ब्याज लोन दो उसको, उसके संसाधन, उसकी जींस जो प्रोडक्ट है, उसके खेती में जो भी चीज, उसके भाव महंगाई के अनुपात में दो, तब जाके आप किसान का सही उचित मूल्य आप दे पाओगे। आज टमाटर है, सब्जी है, गेहूं है, किस भाव में किसान से खरीदा जाता है, मार्केट में उसी चीज को कितने 100 गुना 200 गुना दामों में उसको बेचा जाता है, ये चीज किसान को नहीं मिल पा रही है। लोग कर्जा माफ करना, किसान कर्जा कर्जा हो ही क्यों रहा किसान पे? किसान धरती का सीना फाड़ के इस हिंदुस्तान के, जब इतने लोगों का पेट भर रहा है, यहां से बाहर भेज के दूसरे लोगों को भी सरकार को रेवेन्यू मिल रही है, तो उसकी माली हालत कमजोर करने का काम सरकारें कर रही है, खाली कर्जा माफ कर रही है। किसानों की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, बिजली की रेट 25 HP की पंप सेट की रेट भी वही है, जहाँ 3 HP की पंप सेट की, जहाँ 5 HP के पंप सेट की, बिजली की रिवाइव होनी चाहिए कि मेवाड़ की रेट अलग हो, घरों की रेट अलग हो, उसमें स्लैब होना चाहिए कितनी यूनिट किसान के घर में यूज हो रही, उसको टैक्स फ्री करें। पता नहीं कितने कितने टैक्स उसमें बिजली बोर्ड ने लगा रखे हैं, किसान को ऐसा कानून बना रखा है जिसको चोर घोषित कर रखा है। तो ये चीजें मिटाने का काम राज्य सरकार नहीं करेगी तो किसान का भला नहीं होगा। कांग्रेस सरकार आएगी, निश्चित रूप से हम इन चीजों को 100% मिटाएंगे। मैं आपको ये मेरे नेताओं के भरोसे में कह रहा हूँ, मैं मेरी वजह से नहीं कह रहा हूँ, मुझे आश्वासन दिया गया, इन चीजों को हमने रखी है, उन चीजों पर हमें आश्वासन दिया गया, इन चीजों का निश्चित रूप से बिल्कुल दूर की जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर के आपने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जो धरना दिया था वो कितना सफल रहा? धरना 100% सफल रहा, लैंड बिल वापस लिया, भले बिजली की दरें बढ़ी हुई नहीं मांगी, मानी गई हमारी मांगे, 2 रुपए लीटर दूध पे हमें आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक तो वो चीज हुई नहीं है, लेकिन हमारा लगातार प्रयास जारी है। नए सिरे से हम इस चीज को, हमारे अभी संगठन के चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद हम नए सिरे से इन सब चीजों को हाथ में लेकर पूरे जिला ही नहीं राजस्थान में इसकी अलख जगाई जाएगी, ताकि किसान को 2 रुपए लीटर जो अनुदान मिलता था उसको बंद किया, आपने घोषणा पत्र में 6 रुपए लिखा, तो 6 रुपए तो नहीं दिए लेकिन 2 रुपए बंद कर दिए,
उसको लागू कराने का काम भी करेगा। इसके लिए हम करेंगे, इसके लिए हम चाहे आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे हमें और कुछ काम करना पड़ेगा, हमारे पार्टी नेताओं से बैठकर इस चीज पे हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आपने जो धरना दिया था उसमें जिले और प्रदेश के कोई भी नेता शामिल नहीं हुए थे, तो इससे गुटबाजी की चर्चाएं भी खूब हुई थी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, गुटबाजी कहां नहीं होती, होती गुटबाजी निश्चित रूप से थी गुटबाजी, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रदेश के नेता रामेश डूडी प्रतिपक्ष के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष की बराबर की पोस्ट है, जहां वो बैठता वहां वो बैठते हैं, हर भूमिका उसके हाथ में है। आज कांग्रेस विधानसभा में जो परफॉर्मेंस कर रही है वो रामेश डूडी के नेतृत्व में कर रही है, वो खुद दो बार आए, ऐसे कई लोग हैं जो यहां पर आए हैं, लेकिन फिर भी यहां के कुछ लोग नहीं आए। फिर कह रहा हूं, कुछ लोग नहीं आए। कांग्रेस तो मेरे साथ थी, कांग्रेस तो मैं खुद हूं भाई, किसी को कहने की जरूरत कहां थी। जिला अध्यक्ष ने हमारे को चाबियां दी, जिला अध्यक्ष ने झंडे फरियां दी। कुछ लोग नहीं आने की वजह से ऐसा नहीं होता है, गुटबाजी में होता है, हर पार्टी में भी है, हमारे में भी ऐसा नहीं है। लेकिन वो धरना राहुल गांधी ने शुरू किया है, उस टाइम पे हमने शुरू किया, तो और किस नेता की मैं इंतजार करूं? और ये तो इन लोगों को समझना चाहिए जो नहीं आए, जिन लोगों को मेरा व्यक्तिगत मेरी फोटो नहीं थी धरने पे, ये केवल अपनी फोटो के लिए इंतजार कर रहे थे, मेरी खुद की फोटो नहीं थी, हमारे लीडर की फोटो थी, उनके नेतृत्व में हमने धरना दिया। उन सबसे चर्चा करके, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने भी मुझे फोन करके कहा कि आप धरने से उठ मत जाना, मैं आपके साथ हूं, मैं डूडी जी आ रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊंगा। इनको नहीं पता है, वो मुझे पता है, तो ये लोग नहीं समझ पा रहे थे, कुछ एक लोग। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि भाई सारे लोग नहीं आए, कुछ एक लोग नहीं आए, बाकी कांग्रेस का काम ही ऐसे ऐसे लोग उस धरने पर आए। ऐसे लोगों ने मेरे को टेलीफोन किया कि कांग्रेस का एक्चुअल काम संघर्ष करना है, जो आपने शुरू किया है, जो पुरानी भूमिका, ये तो अपने बाप दादों की खा रहे हैं अभी की। तो कांग्रेस अभी थोड़ा सा पैसा हुआ, कोई कुछ किया ही नहीं और सीधा चुनाव लड़ने के लिए आगे, थोड़ा सा कोई पैसा कमाया इधर उधर से, वो उस एमएलए को खराब करने के लिए उस सीट पर आगे, नहीं सर मैं एमएलए बनूंगा, मैं एमपी बनूंगा। संघर्ष कुछ भी नहीं किया, किसी लोगों के लिए कुछ काम किया हो 10 साल 5 साल सरपंच प्रधान या चेयरमैन या संगठन में पदाधिकारी कुछ रहे हो, धरने प्रदर्शन किए हो, लट खाए हो, कोई जेल गए हो, तो कोई टिकट मांगे तो ठीक बात है, या नेताओं ने सेलेक्ट किया हुआ हो, ये तो अपने बलबूते पे, पैसे के बलबूते पे अपनी प्राइवेट पार्टी समझते हैं कांग्रेस पार्टी को, ऐसे लोग नहीं आए। बाकी तो सारे ही लोग जो एक्चुअल कांग्रेसी थे वो धरने पाए। खान मंत्री के रूप में आपके क्या कुछ विशेष कार्य रहे थे? खान मंत्री के टाइम हमने 50% ऑक्शन पॉलिसी हम लेके आए थे, उसमें जनरल कास्ट के 14% जनरल कास्ट के 14% बेरोजगार लड़कों को भी हमारी पॉलिसी में रिजर्वेशन में खान का मालिक बनाने का था। एससी को था, एसटी को था, एसबीसी जो गुजर गाडुजिया लोअर जो जाती है एसबीसी में आरक्षण मांग रही, उनको भी हमने 1% जो बचा हुआ था उसको हमने खान पॉलिसी में डाला। इसके अलावा जो टेक्निकल जो बेरोजगार हैं, जो माइंस डिपार्टमेंट से जो बेरोजगारी इंजीनियरिंग डिग्री ले रखी है, उनका भी 5% रिजर्वेशन हमने रखा। अभी इस पॉलिसी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे सारे, आप देख लो, रेवेन्यू घटी, आनंद फानंद में टैक्स लगा के रेवेन्यू बढ़ाने का काम कर रहे हैं, खान मालिक सब दुखी हैं, मजदूर वंचित हो रहे हैं। तो पहले के टाइम में खान के हमने बहुत अच्छी तरीके से, खान फॉरेस्ट एक साथ होने की वजह से इन्वायरमेंट बहुत अच्छी सहूलियत थी, उसे तुरंत स्वीकृति मिलती। इन्वायरमेंट नीति लेके पहली बार ऐसी चीजें लेके आए, यहाँ का सारा काला पानी, अब ताजुब कर लो, आज अखबार में छपा बिशलपुर में काला पानी जा रहा है, एक बूंद हमारे टाइम में निकल गया हो, एक बूंद, एक लीटर नहीं, एक बूंद। हमारे पास भी अप्रोचें आई है, ऐसा नहीं है अप्रोचें नहीं, ये हड्डी फैक्ट्री थी यहाँ पे, हमने हटवाई है रोड पे, सारा स्माइल आती थी यहाँ पे, एक पूरा गांव ही बीमार हो गया था लांबिया, हमने स्कूल बना के डॉक्टरों से करवा के सारा, उसमें भी अप्रोच आई है। बालोतराम देख लो, जोधपुर में 56 फैक्ट्रियां मेरे हाथ से बंद हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एक बूंद, अगर तू किसान का लड़का है, तेरे पास इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, इससे खेती खराब होती तो तेरे से ज्यादा बेईमानी कोई नहीं करेगा। हमने सारी चीजें, और आज भीलवाड़ा का उद्योगपति उससे खुश है, उस समय मेरे से नाराज हुआ था, आज खुश है, इसलिए बालोतरा बंद हो गई, लेकिन ये चल रही थी, थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया, लेकिन वापस ये सरकार आई। पता नहीं इन्होंने क्या, यहाँ के नेता है क्या, यहाँ के गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, वही अधिकारी पहले थे, केवल नेता चेंज थे, चीफ मिनिस्टर का फ्री एंड था, और हमने उस चीज को अंजाम दिया,
भीलवाड़ा के पूरे एरिया में, मगर एक बूंद, ऐसे ऐसे प्रोसेस हाउस थे जो लोग कह रहे थे, मेरे आरोप लग रहे थे कि ये प्रोसेस तो इन खुद कही है गए। सबसे पहले उन्होंने उनका बंद किया हमने, सबसे पहले उनका पानी का बंद किया हमने, और एक उदाहरण अनुकरण उदाहरण स्थापित हुआ जो मेरे पे इल्जाम लगाते थे। तो काले पानी का, इन्वायरमेंट का, फॉरेस्ट का, माइंस का हमारे टाइम में बहुत अच्छा काम हुआ। किसान संतुष्ट था, व्यापारी संतुष्ट था, मजदूर संतुष्ट था। आगामी विधानसभा चुनाव में आपके क्षेत्र को लेकर के और विभिन्न जन चर्चाएं, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता देखो, पहले ही हमारे कांग्रेस पार्टी जीते, ये प्राथमिकता है। और जहां तक मेरा सवाल है, तो पार्टी जो आदेश करेगी, मैं तो अभी डेयरी चेयरमैन हूं 2021 जनवरी तक, तो मुझे तो कोई लालसा है नहीं। मैं 3 बार MLA रहा हूं, यहाँ जिले में VP सिंह जी साहब और महामहिम है भी, और शिवचंद्र जी माथुर, दो भाग्यशाली आदमी थे, दोनों अलग अलग पार्टी में थे, उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। बाकी तो सभी नेता जितनी बराबर हैं उतना तो मैं रह चुका हूँ, तो मेरी क्या लालसा होगी। मैं तो इतना है कि कांग्रेस पार्टी आए सत्ता में, तो मैं डेयरी में जो मेरे प्रोजेक्ट हैं उनको और अच्छी तरीके से लागू करूँ, बाकी जो पार्टी का आदेश होगा उसमें काम करेंगे। तो अगर पार्टी आपको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहती है, तो किस क्षेत्र को आप प्राथमिकता देंगे? पार्टी जहाँ मेरे को कहेगी उसी जगह लड़ूंगा। आसिन कहेगी आसिन लड़ूंगा, मंडल कहेगी मंडल लड़ूंगा, साडा कहेगी साडा लड़ूंगा, कहीं नहीं कहेगी नहीं आप सबको जिताओ तो सबको जिताने काम करूंगा। आपके लिए सबसे आसान सीट कौन सी है? कांग्रेस के लिए सबसे आसान सीट, सब कार्यकर्ता एकजुट हो तो सभी के लिए हर सीट आसान है, बेशर्त है कि वहां के कार्यकर्ता एकजुट हो, वो सामंजस्य हमें बिठाना पड़ेगा, तो हर सीट हमारी आसान रहेगी। राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी है, वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ करके और सरकार बनाने में संभव हो सकती है? हाथ के चुनाव चिन्ह पे अभी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का एक ही नेतृत्व है, अभी उन्होंने सचिन पायलट जी को अध्यक्ष बना रखा है, तो अभी तो वही है सामने। जब जिसको जो अध्यक्ष रहता है वही उसी के नेतृत्व में चुनाव होते हैं, तो जो अध्यक्ष होगा उसी के नेतृत्व में चुनाव होगा। अभी ये अध्यक्ष है तो इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसके नेतृत्व में होगा, क्योंकि ये काम उनका अभी इलेक्शन प्रोसेस शुरू है, ये चल रहा है, हो सकता है इस इलेक्शन में आगे क्या प्रक्रिया हो, प्रदेश के चुनाव भी है, तो उससे पहले कहना ठीक नहीं है। फिर दिल्ली के चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है, उसमें राहुल जी की सब लोग कार्यकर्ता डिमांड कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ऑल इंडिया अध्यक्ष बने, तो वो फैसला करेंगे उसी पे, उसी के नेतृत्व में चुनाव होगा। CP जोशी के भिलवाड़ा से चुनाव लड़ने की अटकलें व्यक्त की जा रही है, तो आपके अनुभव के आधार पर उनको किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए? CP जोशी जी इतना बड़ा लीडर है कि उसके लिए हम अटकलें लगाएं तो ठीक नहीं है। वो जहां भी लड़ेंगे, भिलवाड़ा में पहले लड़े थे लोकसभा का, तो उन्होंने जो वादे किए पूरे किए, पाना उन्होंने कहा कि मैं चंबल का पानी आएगा तो ही लड़ूंगा, नहीं आया तो उन्होंने खाना करके सब कार्यकर्ताओं को बिठा के विदा लेके गए कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। तो इसलिए उस आदमी के लिए कहना मैं ठीक नहीं समझता हूं। उनको जो पार्टी निर्देशित करेगी कि आप यहां चुनाव लड़ो या मत लड़ो, वही वो काम करेंगे। और बाकी व्यक्तिगत मांग है कि उस आदमी को लड़ना चाहिए चुनाव भीलवाड़ा, मैं तो ये बात बताऊं क्यों, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इस भीलवाड़ा जिले के लोगों का इंटरेस्ट। उस आदमी ने भाग्य बदल दिया, अशोक गहलोत और CP जोशी ने, इसका रिजल्ट अभी नहीं, इसका रिजल्ट आप देखो, ये हाईवे इतने बने, जहाँ हमने अंगुलियां खींची, बच्चे बच्चे मिट्टी में खेलते ना, यूं अंगुलियां खींच खींच के मिट्टी में लाइने, वैसे वैसे रोडें बना दी, गाँव की छोटी रोडें लो, बड़ी रोडें लो, तहसील की लो, विलेज की लो, हाईवे की लो, चंबल का पानी लिया, इससे बिजली की इतनी ग्रीड, बिजली इतनी हर जगह, डेयरी में इतनी एक्टिविटी, कैटल फीड प्लांट, पाउडर प्लांट, ये अशोक गहलोत ने विधानसभा में घोषणा की उसकी, तो दोनों लीडर्स की जो केमिस्ट्री थी, उस केमिस्ट्री से राजस्थान का डेवलपमेंट और भीलवाड़ा का जबरदस्त हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो भीलवाड़ा लड़े, और मेरे जो समर्थक हैं, हमारे जो साथी हैं कांग्रेस के जन हैं, उन सब की, और मैं तो कहूँ बीजेपी वालों को भी आह्वान करता हूं, ऐसे शख्स को पार्टी से ऊपर उठ के सपोर्ट करना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र में कौन सी सीट माकूल रह सकती है उनके लिए? इतना काम करने के बाद कहीं भी लड़ो ना, किसी भी जगह लड़ो, उनके लिए सभी सूट रहेगी। और वहां जो मैं तो कहूँ मेरी सीट पर लड़ लो, जहां मुझे लड़ना चाह रहा हूँ वहां लड़ लो, वो जहां जिस MLA जो लड़ना चाह रहा होगा कोई उनके लिए मना नहीं करेगा, इसलिए उनके लिए सारी
मेवाड़ में तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, बाकी राजस्थान में भी काफी जगह घुमा हूँ, मेवाड़ में तो वो जहाँ पे भी कहे, भिलवाड़ा ही नहीं कहीं भी कहे, उस आदमी को कोई मना नहीं कर सकता। अच्छा, धीरज गुजर और आप में कई मरतबा गर्माहट रही है, तो ये जो लड़ाई है वो जिले नेतृत्व को लेकर के है या प्रदेश नेतृत्व को लेकर के? नहीं, मैं प्रदेश की कोई दौड़ में नहीं हूँ, धीरज कोई दौड़ में नहीं है, होगा तो उसकी वो जानता है कि दौड़ में है कि नहीं है, उसकी कहीं टकराट होगी तो अशोक चांदना से होगी, सचिन पायलट से होगी, मेरे से थोड़ी होगी, मेरे से उसकी टकराट हो ही नहीं सकती। ये तो जो बातें होती है वो उसको जाजपुर सीट से लड़ना है, जाजपुर से एमएलए है अभी, जाजपुर से ही वो लड़ेंगे, मैं जाजपुर लड़ना ही नहीं मुरे को, तो मेरी टकराव क्यों होगी? वो तो जो आपस में इधर उधर के लोग होते हैं वो बात करते हैं, बाकी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे तो मकान में रहा हूँ बरसों तक, मेरे पास रहा है, मैं सर्वमसी उसे सपोर्ट करता, आज भी मेरे अच्छे संबंध बातचीत करता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं नहीं है। लोगों की सोच रहती है, वो गुजर है, मैं जाति से जाट हूँ। राजनीति में आप सबको ये चीज की जानकारी है, जाट को जब टिकट देनी होगी तो कोई धीरज से रुकेगी नहीं, और जब गुजर को टिकट देनी होगी कोई रामलाल से रुकेगी नहीं, वो धीरज को ही मिलेगी, इसलिए मेरा कोई टकराव उससे है नहीं। जहां तक मेरी बातचीत होती जिसमें मुझे नहीं लगा कि कोई टकराव वाली बात। आज तक आपने कई समय हो गया मंच साझा नहीं किया? सापरा ब्लॉक की बैदली ब्लॉक अध्यक्ष ने मीटिंग रखी, उसमें हम साथ थे दोनों ही, अभी सचिन पायलट जी आए तो मेरे साथ ही डेरी में साथ ही आए थे मेरे साथ ही, और बाकी तो कहीं ऐसा जिला कांग्रेस के धरने वरने में डेरी में बिजी रहता हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, इसलिए कभी वो आए होंगे तो मैं नहीं गया, मैं गया जब वो नहीं आए, या कभी मैं चला गया तो वो आ गए, इस तरह का समावेश मिला, इसलिए बाकी हम सब लोग एक होकर काम कर रहे हैं, आगे करेंगे। छोटा मोटा मन मुटाव तो होता रहता है, सब में है, तो हम में हमारे में भी है, इससे कोई अछूता नहीं है। मैं कहूंगा आपके हलचल के माध्यम से इतनी चीज जाएगी तो कहेंगे कि रामलाल सरासरी झूठ बोल रहा है, तो इसी नहीं मन मुटाव होता है। अच्छा, अभी जो विधानसभा आम चुनाव के पूर्व मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर उपचुनाव होना है, और जो भी उपचुनाव होता है वो सरकार की असफलता या सफलता को इंगित करता है, तो इतने महत्वपूर्ण चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों पर मैदान में उतरेगी? अभी मंडलगढ़ का चुनाव है तो कांग्रेस तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, विफलता है बीजेपी की, काम क्या किया? मैं तो एक बात बताऊं, इस जिले के अंदर कहीं भी आप तारीख वाइज सूचना के अधिकार में कोई स्वीकृति एमएलए एमपी कोटे के अलावा, विधायक जो स्वयं विवेक का जो विवेकाधीन कोटा है उसके अलावा इन्होंने एक भी ऐसा कोई स्वीकृति निकाल दी हो कि मंडलगढ़ में कोई एसडीएम ऑफिस बना दिया, तहसील बना दी, ये कर दिया, क्या कर दिया इन लोगों ने? कुछ भी तो नहीं कर पाए पूरे जिले में ही, और दवाई फ्री निशुल्क दवाइयां मिल रही उसको बंद कर दी, आदमियों की बंद हो गई, आधी दवाइयां हो गई, नाम मात्र का रख रखा है, तो इन्होंने कोई ऐसा काम बड़ा काम नहीं किया जिससे जनता में जाके कह सके। ये केवल सोशल मीडिया के माध्यम से, केवल मैनेजमेंट के माध्यम से सीट को जीतने का काम, नेशनलिटी के नाम पे धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में, इन चीजों में गायों के मामले में बात करके इन चीजों में वोट लेना चाहते हैं, बाकी कोई एरिया के डेवलपमेंट के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए मंडलगढ़ कांग्रेस पार्टी 100% चुनाव जीतेगी, चाहे बीजेपी किसी कैंडिडेट को टिकट दे, 100% कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। अब मेरा एक अंतिम सवाल है कि पारस देवी प्रकरण को लेकर के आप पर बीजेपी नेताओं ने खूब आरोप लगाए थे और बहुत बड़े बड़े बयान दिए, यहां तक कहा कि जब वो राज्य में आएंगे और सजा भी दिलवाएंगे। अब भाजपा को आए हुए 4 साल हो गए लेकिन अभी तक इसके अंदर कुछ हुआ नहीं, तो ये क्या सारा क्या माजरा है? आपने बड़ा पॉइंट किया है, देखो उससे मैं आहत हुआ हूँ, उस समय बड़ी परिस्थितियां ही हुई, कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए ऐसी चीजें की गई, जबकि नेचुरल में मैटर था, उसमें सुसाइड हुआ और वो रिकॉर्ड की चीज़ है, उसमें जांचें भी हुई, एसपी लेवल पे जांच अधिकारी नियुक्त हुए, तत्कालीन गृह मंत्री जी ने भी उसमें घोषणाएं की है, मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत रिपोर्ट देने वाला ही नहीं था, लेकिन उस समय मैंने तुरंत ही रिजाइन कर दिया। उस समय मेरे को सोशल मीडिया से सपोर्ट, कुछ एक मीडिया छोड़ दो बाकी, क्यों जिन जिन मीडिया को जानकारी थी एक्चुअल, और मेरी सामाजिक लेवल मेरे मित्र मंडली एंड सामाजिक सोसाइटी, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, वो सब इन चीज़ों को जानते थे। रास सवाल
कुछ बीजेपी के नेता, ऐसा नहीं कि सारे बीजेपी के मेरे खिलाफ थे, जो बीजेपी के भी कई लोगों ने मेरे को, यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष भी उस समय गए, उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि ये सरासर गलत कर रहे हैं, हमें किसके बारे में ये चीजें व्यक्तिगत मैटर होते हैं। राजनीति में सुखड़ा जी कहा करते थे, मैं तो उनके साथ नहीं रहा था, बेरो सिंह जी के साथ दो ढाई साल विधानसभा में साथ रहे, तो किसी भी व्यक्तिगत मैटर पे लांछन लगाना वो आदमी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकता। उस समय मेरी इतनी स्थिति हुई कि मैं सुसाइड कर लूं, ऐसी पोजिशन इन लोगों ने की, लेकिन मुझे जो संबल मिला सोसाइटी से, लोगों से, मित्र मंडली से, मीडिया से, यहाँ तक कि कई मीडिया, एक आध मीडिया मेरे खिलाफ भी छाप रहा, फिर भी उसके छापने वाले लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन हम नौकरी के हिसाब से कर रहे हैं, तो मैंने रिजाइन कर दिया। मेरे को उस समय चीफ मिनिस्टर साहब गहलोत जी ने भी सलाह दी, उनके सलाह से भी मैं चला। सीपी जोशी जी यहाँ आए, बड़ी मीटिंग हुई, उन्होंने भी मुझे हिम्मत बंधाई, तो यानी तमाम मेरे सर्किल ने मेरी मदद की, लेकिन वो घटना दुखद घटना थी और कोई राजनीतिक इशू नहीं था, उनके बच्चे बच्ची अनाथ हुए, एक नेचुरल घटना थी। मैं मिनिस्टर था, मैं यहाँ था मौके पे, सुबह से लेकर मीडिया, सारे बीजेपी कांग्रेस के जिला परिषद मेंबर सब हम कलेक्ट्रेट में उपस्थित थे, सुबह 11 बजे से लेकर 6:15 तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी खड़े खड़े ही, तो ये सब चीज़ें सामने चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के एलिगेशन लगे, तो ये तो इनको सोचना था, इन्होंने भाषण दिए, ये लोग देखते, लेकिन रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई गवाह देने वाला नहीं, कोई रिपोर्ट देने वाला नहीं, मनगढ़ंत काम करना चाह रहे थे। मुझे जहां तक लगता है ये, जब इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला मेरे खिलाफ, तो मुझे बदनाम करने की ये कोशिश की गई कि इसे डिफेम होके ये या तो मर जाएगा या फील्ड छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन मेरा भाग्य ठीक था, मेरी पुण्य ही थी मेरी, तो उस घटना से मैं बाहर निकल के आया हूँ। उसके बाद मैं वापस चेयरमैन भी बना हूँ, लोगों ने मदद की, उसके बाद मैं एमएलए का चुनाव भी लड़ा हूँ, वो तो सभी जगह हमारे मित्र खड़े हो गए, बाकी मैं अभी भी जीत के इनको दिखा था इनके सामने, फिर भी ये जांच कराने थे, इनकी गवर्नमेंट है कुछ भी करो, मैं उस मामले में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उस समय मुझे बड़ा दुख हुआ था व्यक्तिगत। मैं तो यही कहूँगा इनको भी, कभी किसी का ऐसा हो तो व्यक्तिगत मैटर में किसी को नहीं जाना चाहिए, ऐसे जाने वाले लोगों का भला कभी नहीं हो सकता है। मन से दुआएं लगती है, बददुआ दुआ लगती है, वो चीज़ें बड़ी दिक्कत वाली होती है, इसलिए वो तो चैप्टर मैं जहाँ तक समझता हूँ क्लोज हो गया। जिसके घर में तकलीफ हुई वो भुगत रहे हैं, मिलने वाले भुगत रहे हैं, उसका परिवार भुगत रहा है, इन लोगों ने जो राजनीति करनी, वो लोग तो अपने अपने घर में चले गए, उनके घर पर ये बीतती तो उनको पता चलता है क्या स्थिति होती है, लेकिन वो दुखद घटना थी। भीलवाड़ा वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी तो दशहरा आ रहा है, नवरात्रा है, तो बड़ी धूमधाम से शांति से भीलवाड़ा जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में जैसी अभी पिछले कुछ टाइम से स्थितियां बनी हुई है उसको अच्छी बरकरार रखे। मैं जनता से अपील करूंगा, भीलवाड़ा जिले वासियों से, कि नवरात्रा बड़ी धूमधाम से मनाएं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भीलवाड़ा हलचल के लिए आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा हलचल भी एक बहुत बड़ा वो, फिर आपने ओम जी बाहर जाने के बाद वापस आए तो रूबरू को इतना हाईलाइट कर दिया कि सब लोग देखते हैं रूबरू को, हमने भी कभी रूबरू चल रहा, रूबरू पहले दूसरे अखबार टीवी में चलता, लेकिन आपने इसको लोकल लेवल पे बहुत अच्छी, मैं आपको बधाई दूंगा, आपको भी व्यक्तिगत रूप से भी, भीलवाड़ा हलचल के सभी साथियों को, कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने शुरू किया, इससे भीलवाड़ा को फायदा ही होगा, इसलिए भीलवाड़ा हलचल को एक बार और बधाई। धन्यवाद। तो ये थे रामलाल जी जाट, जिन्होंने हमारे प्रत्येक सवाल का बहुत ही अपने स्वभाव के अनुसार दबंगाई से जवाब दिया, और इनसे बातचीत करके ऐसा लगा कि कांग्रेस के जितने भी जो नेता हैं वो जिले और प्रदेश के अंदर सब एकजुट हैं और आगामी चुनाव को जीतने के लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं ओम कसारा, भीलवाड़ा हलचल के लिए।